C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। इस तावीज को आपको जल्द से जल्द कल्याणी को पहनाना होगा, वरना कल्याणी पर कोई घोर संकट आ सकता है। आगे रास्ता बंद है, इसी रास्ते से जाने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। इस रास्ते से तो वो बस गई जिसमें कल्याणी गई थी। माँ, ये उन पैसेंजर्स की लिस्ट है जिनको रेस्क्यू कैंप ले जाया गया है, और ये उनकी जिनके एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। भाई, यही है वो लोग जिन्होंने कल्याणी पर हमला किया था। माई, क्या किया तुम लोगों ने कल्याणी के साथ? कहाँ है कल्याणी? हाँ, ये सच है कि हम कल्याणी को मारना चाहते थे, लेकिन कल्याणी को गलत बस में बैठाने वाली आओ साहब है, और आओ साहब ने खुद हमसे वादा किया था कि वो लड़की वापस इस गांव में लौट कर नहीं आएगी। अपने आप को बहुत चालाक समझ रही है ना तू? अब ये इंजेक्शन तू खुद को लगाएगी। ये काम जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। कल्याणी से बात तारा अच्छा पीला। जिस लड़की के शादी के हम बात कर रहे थे ना, वो यही लड़की है कल्याणी। मेरा रिश्ता पूर्ण विराम। हमारे आज्ञा का पालन करने के अलावा तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता नहीं। दिन का इंतजार नहीं होता मुझसे जब हम तेरे एक होंगे। तुझसे से सड़क छाप रोमियो से ना मुझे लिपटना बॉम्ब से ज्यादा है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं नेहा से सगाई नहीं कर सकता। मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। अथर, अगर कल्याणी ने हम लोगों को साथ देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। माई का ये विश्वास और माई का ये भरोसा चूर चूर होकर रह जाएगा जब माई ये देखेगी। कल्याण, 3 दिनों के बाद कल्याणी 18 साल की हो जाएगी और हम उसकी शादी अथर्व के साथ करवाएंगे। I'm sorry, अथर, कल सबके सामने सच बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। मैं अब अपना प्यार और नहीं छुपाऊंगी अथर। I'm sorry, अनुप्रिया, पर सच यही है, मैं अथर्व से प्यार करती हूँ। जानती नहीं हूँ मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी, इसलिए आराम से फोन दे। मैं चाह रही हूँ घर वालों को तुम्हारी असलियत दिखा दे। इन्होंने मुझसे दहेज के 10 लाख रुपए मांगे हैं। ये सजा तो आपके लिए बहुत कम है। सबसे ज्यादा सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए जिनका सबसे ज्यादा कसूर है। अथर्व ने कल रात के लिए मुंबई जाने की 2 टिकट्स बुक करवाई। पहला नाम तो अथर्व बापट है, दूसरा नाम कौन सा है? तुम जानती नहीं हो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ कल्याणी। छोड़ो मुझे, मैं अथर्व के साथ कुछ नहीं कर रही थी वहाँ। बाकी किसी चीज की मुझे समझ हो ना, लेकिन इंसानों को परखने में मैं कभी गलती नहीं। अनुप्रिया, मैं सच कह रही हूँ, मैं अथर्व के साथ कुछ नहीं कर रही थी वहाँ। वो झूठ बोल रहा है, वो वापस मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा था। मेरा यकीन करो। जानती हो मुझे तुम पर भरोसा है। कल रात तुम्हारे जाने के बाद अथर्व मुझसे मिलने आया था। माई, माई, माई मुझे माफ कर दो। माई, मैं जानता हूं मुझे कल्याणी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता माई?
मेरे सर की कसम खा के कहूं कि कल्याणी सच में तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही थी। माई, मैं इतना बड़ा झूठ आपसे क्यों बोलूं? अथर्व को मैं बहुत सालों से जानती हूं, वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोल पाता। कल रात भी वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। बाकी किसी चीज की मुझे समझ हो ना हो, लेकिन इंसानों को परखने में मैं कभी गलती नहीं करती। ये देखो, कल रात अथर्व के कपड़े धोते वक्त ये उसके कपड़ों में से मिला। ये तो टिकट्स हैं। अथर्व ने कल रात के लिए मुंबई जाने की दो टिकट्स बुक करवाई हैं। अरे बेटा, अरे बेटा बात तो सुनो। कल्याणी, कल्याणी ये क्या कर रही हो? अनुप्रिया, मेरा 18th बर्थडे है, मैं 18 साल की होने वाली हूँ। मुझे सेलिब्रेट करना है मेरा बर्थडे, सिर्फ कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी, पक्का छोटी सी पार्टी। प्लीज अनुप्रिया, प्लीज प्लीज, और फिर तो मेरी शादी हो जाएगी ना। प्लीज अनुप्रिया, मान जाओ ना। कल्याणी बेटा, हम तुम्हारा वार दिवस जरूर मनाएंगे। मुझे अथर्व की गर्लफ्रेंड का पता चल गया। तुम एक काम करो, अपना ईमेल चेक कर लो। मैंने अभी उसकी पिक्चर भेजी है। मेरा 18th बर्थडे अथर्व कभी नहीं भूल पाएगा। कल तुम्हारा खेल खत्म। अथर्व, मैं हूँ अथर्व की गर्लफ्रेंड। जहाँ गुंडन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से, क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुंडन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुंडन तुमसे ना हो पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुंडन तुमसे ना हो पाएगा। क्या मीरा अपने हाथों विवान को मार देगी? क्या विवान मीरा को दुलेका से बचा पाएगा? मैं एक आमंत्रित डायन हूँ, आज रात को तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी और फिर तुम और मीरा हमेशा के लिए अलग। आगे बढ़ो मीरा। फिर ले आया है वक्त पुचकी को बदनाम गलियों में, जहां से शुरू हुई थी उसकी और शांतनु की दोस्ती की दास्तां। कौन सा नया मोड़ लेगी ये दोस्ती, या फिर बदल जाएंगे पुचकी और शांतनु के रिश्ते? तुमने आज तक कभी प्रज्ञा जैसी लड़की देखी है? मैंने देखी या नहीं वो छोड़ो, ये समझ लो कि उसके जैसे ना कोई थी, ना कोई है और ना कोई होगी। ना दूसरी प्रज्ञा होगी, ना ही दूसरा अभिषेक प्रेम है। करण और ऋतिक साथ में, तो लूथरा हाउस में ये खिचड़ी पक रही थी। काजी साहब, अगर कोई औरत अपने शौहर को जान से मारने की साजिश रचे तो क्या ये तलाक देने की वजह बन सकती है? देखो, ये जायज वजह बिल्कुल है। कल रुखसार इस घर से बाहर जाएगी, कभी तुम अभी इसी वक्त रुखसार को तलाक दोगे। किस्मत ने लगा दी है मोहर वेदिका और साहिल की अनोखी प्रेम कहानी पर। जहां एक तरफ प्यार की लिखी जा रही है एक नई परिभाषा, वहीं करवा चौथ के पावन माहौल में रचे जा रहे हैं नए षड्यंत्र। हमें खुद कुछ ऐसा करना होगा कि साहिल भूमि के साथ संबंध बनाए, तभी हम उस अधेड़ उम्र की औरत को अपने घर से बाहर निकाल पाएंगे। क्या है इस प्रेम गाथा का अगला अध्याय?